हेलो जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून नहीं, आज गुड मॉर्निंग। आज क्लास मैंने आपको बताया था जल्दी स्टार्ट होएगी 11:30 बजे से। आई होप आप सभी आ गए होंगे। तो बेटा जी, गुड मॉर्निंग, जाग जाइए। आज जो अध्याय लेकर आया हूँ उसका नाम है जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। 12वीं कक्षा का पहला अध्याय है और प्रश्नों की अगर बात करें नीट में आते ही नहीं है, आते नहीं है, मतलब इन द सेंस चांसेस हैं आ भी जाएं ना भी आएं, आ भी जाएं ना भी आएं, है ना, मिक्स चलता है, किसी वर्ष आ जाते हैं किसी वर्ष नहीं आते हैं, है ना। तो बात आ रही है बेटा जी, आपने इस चैप्टर को भी पढ़कर तो जाना ही है, क्या पता कहां से क्वेश्चन आ जाए। तो जल्दी से मुझे बताएं, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, आए हैं पढ़ के, नहीं आए हैं पढ़ के आए हैं। क्लास कब शुरू होगा गुरुजी? क्लास शुरू हो गया है, आप बताएं पढ़कर आए हैं कि नहीं आए हैं। गुड आफ्टरनून नहीं भैया, गुड मॉर्निंग, आज गुड मॉर्निंग में क्लास स्टार्ट हुई है। चलिए जी, हाँ जी, पढ़कर आए हैं, पक्का पक्का, सच्ची वाला बताओ, पक्का पढ़कर आए हो कि नहीं पढ़कर आए हो? पढ़कर आए हो ना, देख लेते हैं, अभी पता लग जाएगा कितना पढ़कर आए हैं कितना नहीं पढ़कर आए हैं, है ना। दूध का दूध और दही का दही हो जाएगा, अभी देखते हैं। आइए बेटा, जीवों में जनन पता ही है आपको, प्रीवियस ईयर्स के हम करते हैं क्वेश्चंस। टाइमर मिलेगा 30 सेकंड का और आज क्लास थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट हो जाएगी बाबू। आपने आंसर्स बताने हैं लास्ट में कमेंट सेक्शन में, कितने आपके सही हुए हैं, ठीक है। चलो जी, कल के कमेंट्स देख के बड़ा आनंद आया। कई बच्चों ने बोला मेरे को कि सर एक दो क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं लेकिन अगले वाले नेक्स्ट क्लास में सारे के सारे सही करेंगे, बस यही जज्बा होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा जी, नीट 2022 का एक कोर्स चल रहा है आपकी ऐप पर, जिसमें टीचर्स पढ़ा रहे हैं और ये सिलेक्शंस हुए हैं नीट में। आपको इस कोर्स में सब कुछ मिलेगा, अगर कोई भी जानकारी लेनी है आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 01247158250 पर, या मेरे से कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो ऐप पर अभी हैं उनके पास एक पोल आएगा, उसका आंसर जरा जल्दी से मुझे दे दीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, चलो जी, अंजलि बिल्कुल देते हैं बेटा, कल वाले में अगर थोड़े से रह गए होंगे तो माफ करिएगा, कल वाले थोड़ा सा व्यस्त हो जाता है ना आदमी, मैं थोड़ा सा ज्यादा व्यस्त हो गया, लेकिन टेंशन मत लीजिएगा, रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलिए बेटा जी, स्टार्ट करें, करें पक्का। आइए, बिना किसी टाइम वेस्टेज के हम पहला प्रश्न लेकर आते हैं जो 2020 में आया है, ठीक है। हाँ जी सर, आप इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाते हो? बेटा पढ़ाता तो हूं, लेकिन अभी मैं यहां पर हिंदी मीडियम में ही पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश में भी पढ़ाता हूं, हिंदी में भी पढ़ाता हूं, दोनों में पढ़ाता हूं, ठीक है, अभी हिंदी, है ना। चलिए आइए बेटा जी, यहां पर पहला प्रश्न आता हुआ फर्स्ट, अगेव में कायिक प्रवर्धन को क्या कहा जाता है? अगेव पादप में जो कायिक प्रवर्धन होता है वो कौन सा होता है? प्रकंद, पत्रकलिका, भूस्तारिका या आंख? जल्दी से आंसर दीजिएगा, देखते हैं कितने बच्चे सही लगाते हैं। और इसका ना, इसका डायग्राम भी दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में, विश्वास ना हो तो देख लीजिए, खोल लीजिए एनसीईआरटी, खोल लीजिए, खोल लीजिए, देखिए वहां पर अगेव कहीं लिखा होगा किसी डायग्राम में, और अगेव के सामने लिखा होगा बुलबिल, क्या लिखा होगा? बुलबिल, क्या लिखा है? बुलबिल, जो एक पत्रकलिका होती है। अब जिनको समझ में नहीं आया है पहले तो आंसर ध्यान से सुन लीजिएगा, देखिए प्रकंद जो होता है ये एक भूमिगत तना होता है, कौन? प्रकंद, भूमिगत तना यानी भूमि के अंदर। भूस्तारिका जो होता है ये एक अर्धवायवीय तना होता है, यानी ना ही वायु में है, पूरा सीधा खड़ा है, ना ही जमीन के नीचे, बस जमीन के ऊपर रेंग रहा है, कौन बेटा जी? भूस्तारिका, जिसको बाबू हम बोलते हैं, याद रखना, ऑफसेट। कृपया करके आज जो चीजें बता रहा हूं उसके एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा। देखिए प्रकंद क्या था बेटा? राइजोम, राइजोम था, याद रखिएगा, प्रकंद कौन? राइजोम, ठीक है।
ये एक भूमिगत तना होता है, भूमि के नीचे होता है। इसके उदाहरण याद रखिएगा बेटा जी, अदरक, हल्दी, ध्यान से सुनिएगा, अदरक, हल्दी, केला, तीन उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट, अदरक, हल्दी, केला, अभी के अभी लिख लीजिए, अगर जानते हैं तो वेल डन, नहीं जानते तो अभी के अभी लिख लीजिए। प्रकंद एक भूमिगत तना है, यानी तने का रूपांतरण है जो भूमि के अंदर है, जो भोजन को संचित कर लेते हैं। केला, अदरक और आपका हल्दी जरूर याद रखना, किसके उदाहरण है, प्रकंद के। ठीक है सर, भूस्तारिका क्या था याद रखना, भूस्तारिका एक ऐसे तने हैं जो ना ही जमीन के नीचे, ना यानी भूमिगत नहीं है, ना ही वायवीय है यानी ऊपर सीधे खड़े हुए नहीं है, जमीन के ऊपर रेंग रहे हैं। ठीक है, कौन होते हैं बेटा जी याद रखना, भूस्तारिका। ठीक है, अब ये जो भूस्तारिका जो होता है इसको भी मैं थोड़ा सा और बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अभी सिर्फ इतना सा, भूस्तारिका पानी में मिलते हैं, पानी में मिलते हैं, पानी में मिलते हैं। तो आप में से कईयों ने नाम सुना होगा जलकुंभी, सुना है जलकुंभी, सुना होगा जलकुंभी, सुना है पिस्टिया, नाम सुना होगा पिस्टिया। ये पानी में मिलने वाले पादप हैं, जिसे हम बंगाल का आतंक बोलते हैं, जल हाइसिंथ बोलते हैं। भैया इसमें तना जो होता है वो तना जो होता है पानी के ऊपर रेंगता है। हाँ जी याद रखना, पानी में मिलते हैं, कौन, भूस्तारिका। भैया आंख, आपने आलू देखा होगा, ये तो बहुत बेसिक सा है, आलू के ऊपर छोटी छोटी कलिकाएं होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, आंख, जो कायिक प्रवर्धन में सहायता करती हैं। उस आंख को तोड़ो, जमीन में डालो, अनुकूल वातावरणीय परिस्थितियां डालो, आपको क्या मिल जाएगी बेटा जी, आपको आलू मिल जाएगा। हालांकि आलू किसका उदाहरण होता है, भूमिगत तने का उदाहरण होता है जो होता है कंद, यानी आंख किस में मिलती है, कंद में मिलती है, जिसको हम ट्यूबर बोलते हैं। अब बचा है पत्रकलिका, देखिए ट्यूबर का उदाहरण क्या, कंद का उदाहरण क्या, आलू, आलू में मिलती है आंख। ये उदाहरण मैंने आपको बताया, जलकुंभी पिस्टिया, इसमें मिल रहा था भूस्तारिका, ये भी अर्धवायवीय तना, ये भी आपका क्या है बेटा जी, ये भूमिगत तना होता है और ये भी भूमिगत तना है। ठीक है, बचा कौन है, पत्रकलिका। अब जरा डायग्राम, हालांकि इसका आंसर आप में से सभी बच्चों ने बिल्कुल सही लगाया, क्या, पत्रकलिका, क्या लगाया है, पत्रकलिका। जरा देखिएगा, ये इस तरीके से आपके डायग्राम दे रखा है, एनसीईआरटी में दे रखा है, नहीं दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है मेरे भाई। आलू कंद, अदरक प्रकंद, है ना, ये है अगेव, ये है आपका पत्थर चट्टा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइलम। बेटा इन दोनों में कुछ कलिकाएं मिलती हैं, इन दोनों में कुछ कलिकाएं मिलती हैं जिनको हम बोलते हैं पत्र कलिका। पर्टिकुलरली इसमें जो कलिका मिलती है उसका नाम है बुलबिल। देखिए यहां पर कहीं लिखा होगा अगेव का बुलबिल। यहां पर जो पत्र कलिका जो होती है, यानी पर्ण कलिका जो होती है, पत्ती की जो कलिका होती है, यानी पत्ती एक कलिका के रूप में मिलती है, याद रखना, जो क्या कहलाती है, बुलबिल कहलाती है, किसमें, अगेव में। और जो पत्थर चट्टा जो होता है, जो जिन लोगों को कैंसर होता है ज्यादातर उनको ये दिया जाता है, क्योंकि ये एक एंटी कैंसरस इसके अंदर पदार्थ मिलता है, किसमें, पत्थर चट्टे में, इसमें आपके ब्रायोफाइलम में, ब्रायोफिलम में। ठीक है, तो इसमें भी क्या मिलती है, पर्ण कलिका, इसमें भी क्या मिल रही है, पर्ण कलिका। यहां पर जो पर्ण कलिका मिलती है अगेव में, उनका नाम है बुलबिल। पत्र कलिका या पर्ण कलिका चीज एक है, याद रखिएगा। बाकी मैंने आपको जल हाइसिंथ बताया अभी अभी, जलकुंभी क्या उदाहरण था, किसका उदाहरण था, भूस्तारिका का। बताओ क्या ये चीज समझ में आ गई है, क्या ये चीज समझ में आ गई है। सर जिनको स्टोन होता है उनको भी दिया जाता है, वेल डन, बहुत अच्छे प्रियंका, वेरी गुड। बताएं आप में से सभी बच्चों का आंसर यही था या नहीं था, यही किया था ना बेटा, पत्रकलिका ही किया था ना मेरे भाई। हाँ जी चलें आगे, आइए बेटा दूसरा प्रश्न आता हुआ, सेकंड ऑफसेट। भूस्तारिका को हम क्या बोलते हैं, ऑफसेट बोलते हैं, याद रखना। भूस्तारिका जो अभी अभी बताया था, भूस्तारिका, उसको बोलते हैं ऑफसेट अंग्रेजी में। किसके द्वारा उत्पादित होते हैं, जल्दी से करिएगा, हाँ जी पढ़कर नहीं आए हैं बेटा, ना पढ़कर नहीं आए भाई, पढ़कर नहीं आए हैं भैया आज,
नियायना पढ़कर अनिशेक जनन द्वारा अले बुधू। चलिए जी, टाइमर हो गया है समाप्त। अब आप मुझे बताएं, ये ऑफसेट जिसको अभी अभी हमने बोला था क्या भूस्तारी का, जब आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पर वो जो अभी अभी मैंने आपको ये पीछे जो डायग्राम दिखाया था ये वाला, ये कहां पर पढ़ा था जरा सोचिए। चैप्टर में दो चीजें दे रखी हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दे रखा है। आप मुझे बताएंगे ये जो शब्द भूस्तारी का, ये जो ऑफसेट जो आया था, ये किस चीज को बता रहा है, जरा सोच समझ कर मुझे बताएं। ये एक तना है जो अलैंगिक जनन कर रहा है। क्या करने वाला है? अलैंगिक जनन। और पर्टिकुलरली कौन सा अलैंगिक जनन? पादपों में जो अलैंगिक जनन होता है मेरे भाई, उसको हम बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। क्या नाम देते हैं? कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी एक पादप का कायिक भाग। कायिक का मतलब जो जननीय भाग नहीं होता, जैसे तना, जैसे पत्ती, जैसे जड़, ये कौन से भाग होते हैं? कायिक भाग होते हैं। जबकि जनन भाग कौन सा होता है? पुष्प होता है। ठीक है, तो एक पादप में, एक प्लांट में जो कायिक भाग होता है, अगर उस कायिक भाग से एक नया पेड़ बन जाए, उस कायिक भाग से एक नया पेड़ बन जाए, तो है क्या? एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। कैसा जनन है? अलैंगिक जनन है। ऐसा अलैंगिक जनन क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन कहलाता है। अब जरा सोचिए, ये एक पेड़ था, कौन सा? जलकुंभी। उसका तना था कैसा था? आपका अर्धवायवीय था, यानी जमीन के ऊपर रेंगता है। पर्टिकुलरली ये पेड़ कहां पर मिलता है बेटा जी? आपका जलकुंभी या पिष्टी या पानी में मिलता है, यानी पानी पर रेंगता है। अब जरा सोच समझ कर मुझे बताएं, उस तने का एक भाग निकल कर पानी के ऊपर रेंगते 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 आगे गया, नीचे बना दी जड़ें, ऊपर बना दी पत्तियां। क्या यहां पर, सोच समझ कर मुझे बताना, क्या यहां पर लैंगिक जनन हो रहा है? क्या यहां पर युग्मक बन रहे हैं? नहीं बन रहे। तो सिंपल तरीके से जरा सोचिए, एक द्विगुणित कोशिका से अगली द्विगुणित कोशिका बन रही है, या एक अगुणित कोशिका से अगुणित कोशिका बन रही है, या अलैंगिक जनन में मुख्य रूप से जो विभाजन होता है वो कौन सा होता है मेरे भाई? अर्धसूत्री होता है कि समसूत्री होता है? सिंपल सा जरा सोचिएगा। अरे अनिषेक जनन तो अलग चीज होती है, जिसमें बिना नर युग्मक के मादा युग्मक नया शरीर बना देती है। यहां पर युग्मक की तो जरूरत ही नहीं थी मेरे भाई, ये तो एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। अब जरा सोचिए, अलैंगिक जनन में अगर कोशिका द्विगुणित है, उससे नया पादप अगर बन रहा है, उस कोशिका से नई कोशिका बन रही है, वो भी द्विगुणित है, तो कैसा विभाजन होगा? अर्धसूत्री के समसूत्री, बताएं। हाँ, अभी बता रहा हूं कलयुग के रावण, अभी बता रहा हूं इसका आंसर। बताएं कैसा विभाजन होएगा? समसूत्री के अर्धसूत्री। अरे बाबू, सीधा सीधा आपका कौन सा? समसूत्री या सूत्री विभाजन होएगा? माइटोसिस होएगा। अर्धसूत्री विभाजन चाहिए होता है युग्मक बनाने के लिए, और युग्मक किसमें बनते हैं मेरे भाई? लैंगिक जनन में बनते हैं। अलैंगिक जनन हो रहा है किसमें? इन पादपों में, जलकुंभी में, पिष्टिया में, प्रकंद में, आलू में, इन सब में कैसा हो रहा है? अलैंगिक जनन। उस अलैंगिक जनन का नाम है कायिक प्रवर्धन, जहां पर सीधा समसूत्री विभाजन होएगा। अब जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि मान लो मैं जलकुंभी हूं, ठीक है, और ये मेरा तना है, ठीक है, इस तने का एक छोटा सा भाग यहां से हट गया, अलग हो गया मान लो, और इस छोटे से भाग से मैं बन गया, क्या यहां पर अर्धसूत्री विभाजन होएगा? क्या युग्मक बनेंगे? क्या शुक्राणु अंडाणु बनेंगे? क्या नहीं ना, तो सीधा कौन सा विभाजन होएगा मेरे भाई? समसूत्री या सूत्री विभाजन होएगा, खत्म। बताओ यही किया था? चलो जी, तो आंसर क्या है बेटा जी इसका? सूत्री विभाजन है, याद रखिएगा। अब एक बच्चे ने पूछा कि एक माता पिता की 6 संतान है, अब सातवीं संतान लड़का होगा कि लड़की होगी? क्या मतलब सातवीं संतान जो है वो लड़का होगा, कितने परसेंट चांसेस हैं लड़का होने के? सोचो, बहुत सिंपल सा प्रश्न है कि एक दंपत्ति जोड़ा है जिसके 6 बच्चे हैं, 6 लड़कियां हैं, मान लो 6 लड़कियां हैं, ठीक है। अब उसने बोला, भैया मुझे तो लड़का चाहिए, लड़का चाहिए, लड़का चाहिए। सातवां बच्चा लड़का होने के कितने चांसेस होंगे? 50%।
भैया या तो एक्स शुक्राणु जाएगा या वाई शुक्राणु चला जाएगा, अगर एक्स चला गया तो लड़की हो जाएगी, वाई चला गया तो लड़का हो जाएगा, तो 50% चांस है लड़की होने के, 50% चांस है लड़का होने के। कैसे प्रश्न पूछते हो बे, हैं? सिंपल सा, एक एक बच्चा जानता और सभी बच्चों ने आंसर भी दे दिया। ओए होए 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 होए, गजब गजब। चलो हाथ की हाथ एक और प्रश्न भी हो गया हमारा। आइए बेटा जी तीसरा प्रश्न आता हुआ सामने। निम्नलिखित में से किसमें उसके जीवन काल में एक बार ही पुष्पन होता है? बहुत सिंपल, ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। सोचिए ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, कौन होता है जिसके जीवन काल में केवल एक बार पुष्पन होता है? अब ये कब आया था? पुष्पीय पादपों में जब लैंगिक जनन के हमने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करे थे तब वहां पर भी यही प्रश्न आया था, यहां पर भी लेकर आया हूं, दोनों चैप्टर से संबंध है। कौन है जिसके जीवन काल में केवल एक बार पुष्पन होता है? यस, हाँ जी, सही आंसर है, बिल्कुल सही दिया है, टाइमर भी हो गया। बांस, बेम्बू, सीधा सीधा बांस जो होता है उसके जीवन काल में केवल एक बार ही क्या होता है मेरे भाई? पुष्पन होता है। सर देखते ही लगा दिया, वेरी गुड। अभी बिपिन सिंह एक सेकंड बेटा पढ़ लो, फिर बातें कर लेना, ठीक है? आइए आगे चलते हैं। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है तो समझ में आता है ना, सीधा सीधा बांस की जो जातियां होती हैं उनमें जीवन में केवल एक बार पुष्पन होता है, ठीक है? आइए चौथा प्रश्न सोच समझ कर करिएगा, गलती मत करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी तीन सही है एक गलत है, टाइम ज्यादा लेना है ले लीजिएगा लेकिन गलती मत करिएगा। कितने गलती मत करिएगा बेटा जी, बिल्कुल भी गलती मत करिएगा। कौन सा कथन सही नहीं है? यानी तीन कथन आपके सही हैं और एक गलत है। जय महाकाल, ठीक है भैया। रागिनी, ये जीआईसी क्या है बेटा? मुझे नहीं आइडिया इसके बारे में। लगा दिया आंसर, सर क्लियर नहीं आ रहा थोड़ा सा ना, अपनी फोन की वो जो क्या बोलते हैं, अरे भैया क्या बोलते हैं उसको, क्वालिटी होती है उसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। ऐसे प्रश्नों के लिए दो मिनट के लिए बढ़ा लिया करें, क्योंकि देखिए हम यहां से जो प्रश्न भेजते हैं हम ये कोशिश करते हैं कि आपका नेट ज्यादा खर्च ना हो, है ना, क्योंकि नेट पूरे दिन चलाना है, तो कई बार क्वालिटी आपके पास कम आती है। किसी प्रश्न में अगर कम आ रही है तो कृपया करके उसकी क्वालिटी को बढ़ा लिया करें उस प्रश्न में, बाकियों में नॉर्मल रहने दिया करें, ठीक है? चलिए, मोहम्मद अरवाज, समझ में नहीं आ रहा, कड़वा करेला सवाल है? नहीं रे, बिल्कुल भी ना ही कड़वा है ना ही करेला है, बिल्कुल भी ऐसा सवाल नहीं है। आप मुझे बस इतनी सी बात बताना, सिंपल सी बात बताना बेटा जी, एक तना है, मान लो ये तना है, ठीक है? चलो सर, इस तने में कुछ संरचनाएं होती हैं, ये इनका नाम क्या होता है जरा जल्दी से मुझे बताओ, इनको हम क्या बोलते हैं? सर ये होती हैं पर्व संधि, ठीक है सर, ये भी पर्व संधि और ये भी पर्व संधि। मैंने कहा जी वेल डन, बहुत अच्छे सर, ये पर्व संधि है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। और सर इनके बीच में ये जो भाग है ये क्या है? आपने बोला सर ये है पर्व, ये क्या है? पर्व है, ठीक है। हाँ जी सर, ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, हैं? ये क्वेश्चन पहले तो नहीं हुआ भाई मेरे, ना 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 ना, ये क्या है बेटा जी? आपका पर्व है और ये पर्व संधि है। इसको बोलते हैं इंटरनोड, सॉरी इसको बोलते हैं नोड और इसको बोलते हैं इंटरनोड। हाँ जी, पर्व संधि जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं नोड और पर्व जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरनोड, ठीक है। अब इसका एक और नाम भी है, ध्यान से सुनिएगा, इनको ना हम पोरियां भी बोलते हैं, पोरियां,
और इनको हम गांठ भी बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे बहुत सिंपल सा प्रश्न करने की कोशिश करूंगा, मुझे बस सीधा सीधा बताना। आपको इस तने से एक नई कलिका का निर्माण करना है, कलिका का, ठीक है। और वो कलिका या तो पत्ती बना सकती है, वो कलिका आपकी शाखा बना सकती है। सोचिए वो कलिका जिससे पत्ती बन सकती है, जिससे शाखा बन सकती है, सोच समझकर मुझे बताना। वो कलिका यहां पर्व पर होती है कि पर्व संधि पर होती है? सिंपल सी चीज मैं पूछ रहा हूं। दिलीप कुमार समझ में नहीं आ रहा है क्या? समझ में नहीं आ रहा दिलीप कुमार? बहुत सिंपल सी चीज थी बेटा, ये आपका तना है उस। अच्छा आप मेरे को बताओ, गन्ना खाया तूने? खाना खाया कि नहीं खाया? गन्ना खाया है ना? मुझे मेरे भाई एक सिंपल सी बात बता, ये जो गन्ना तुम खाते हो उस गन्ने में इस तरीके से संरचनाएं होती है। तुम ये वाला भाग खाते हो, इसमें शर्करा होती है, ये वाला भाग खाते हो, शर्करा होती है, ये वाला भाग जो थोड़ा सा कठोर होता है, ये वाला, बस उसी चीज को तो मैंने यहां पर बनाया है, सिंपल। अब जरा सोच समझ कर मुझे बताएं, ये वाला भाग जो गन्ने का तुम नहीं खाते हो, ये वाला भाग, ये क्या कहला रहा है मेरे भाई? ये कहला रहा है आपका पर्व संधि। और जो तुम खाते हो ये वाला भाग, ये पूरा भाग क्या कहला रहा है? पर्व कहला रहा है, बस खत्म, इतनी सी बात है। ये तो हलवा सी चीज थी है। अब आप मुझे बताएं, मैंने एक सिंपल सा प्रश्न पूछा कि इस तने से अगर शाखा का निर्माण करना है, इस तने पर अगर किसी कलिका का निर्माण करना है, वो कलिका कहां उत्पन्न होती है? यहां पर इस पर्व संधि से होती है कि पर्व से होती है? तो मेरे भाई बहुत सिंपल सी चीज है, याद रखना, एक नई शाखा का, एक नई कलिका का निर्माण कहां से होता है? इस जगह से होता है। कहां से? पर्व संधि से, ठीक है। समझ में आ गया, सिंपल सा था। अब बाबू इस प्रश्न को पढ़ लो, अब एक काम करो, इस प्रश्न को पढ़ लो, अब पढ़ लो इस प्रश्न को। जल्दी से पढ़ लो, वापस से टाइम दे दिया। अब देख लो कौन सी चीज आपको गलत दिखाई दे रही है यहां पर। हाँ जी, कौन सी चीज आपको गलत दिखाई दे रही है? अब तो आंसर आ जाना चाहिए मेरे भाई, जरा देखना। आलू, केला, अदरक जो होते हैं पादप हैं, रूपांतरित तने होते हैं, भूमिगत होते हैं, में उपस्थित पर्वों से उत्पन्न होते हैं। अरे कोई भी नई चीज अगर उत्पन्न होएगी, कोई भी कलिका अगर उत्पन्न होएगी, वो हमेशा कहां से होएगी मेरे भाई? सोचो कहां से होएगी? वो हमेशा पर्व संधि से होएगी, पर्व से नहीं होगी। तो बेटा जी आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये, क्योंकि ये है गलत, क्योंकि आलू, केला, अदरक जो एक भूमिगत रूपांतरित तने हैं, इनका निर्माण होता है किससे? हमेशा याद रखना, पर्व संधि से होता है, पर्व से नहीं होता है। बताओ कितने बच्चों ने इसका आंसर सही किया था? हाँ सर, ये प्रश्न हलवा नहीं था, ये थोड़ा सा हमें टफ लगा था, बिल्कुल लग सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपने पढ़ा होता ना, ये सिंपल सी चीज अगर पढ़ी होती, ये वाला कंसेप्ट अगर आप जानते ना, तो धड़ाम देसी नहीं ये वाला आंसर लगा देते। क्या? कि पर्व से उत्पन्न नहीं होएगा। कहां से उत्पन्न होती है कोई भी कलिका, कोई भी संरचना, कोई भी शाखा, कुब्बी भी, कहां से उत्पन्न होती है? पर्व संधि से होती है, पर्व से नहीं होती है। अब बाबू जरा सोचिए, आपका आंसर सही था? सर इजी था। ओए होए 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 सर महरा, ओ होए महरा, ये तो राजस्थानी है रे। हाँ जी चलो सर, जानते थे एनसीईआरटी की लाइन है, वेल डन, क्या बात है, गजबवा। आइए आगे चलें, चलें चलें, आइए बेटा जी पांचवा प्रश्न आता हुआ नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आप धड़ाम धड़ाम आंसर लगाइए, जा धड़ाम धड़ाम लगाते जाइएगा, सही सही लगाइएगा। मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए थे स्टार्टिंग में, याद करिएगा और सोच समझकर मुझे बताएं इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी आमने सामने सही नहीं दे रखा, तीन सही दे रखे, एक गलत दे रखा है, सोचिएगा। सर टाइम चेंज हो गया क्लास का? नहीं बेटा, सिर्फ आज के लिए ये क्लास 11:30 बजे चालू हुई थी
और दो दिन ऐसा और होएगा, एक 31 तारीख को और एक तारीख को, ठीक है। अभी इसका आंसर दीजिए और गलती मत करो मेरे भाई। क्यों गलती कर रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले, पहले ही प्रश्न में मैंने आपको कुछ उदाहरण बताए थे, पहले ही प्रश्न में कुछ उदाहरण बताए थे, बताए थे लर्न विद प्रज्ञा, आफ्ताब, ब्लैक सिटी गेमिंग। हां जी, क्या नहीं बताए थे बेटा जी मैंने? आसिया, प्रनु, खुशीराम, नहीं बताए थे? अच्छा मुझे बताओ, क्या मैंने आपको, अब एक काम करो, कृपया करके ना मेरे साथ साथ उदाहरण लिख लो, नहीं तो गलती कर बैठोगे। ध्यान से लिखते जाइएगा। सबसे पहले प्रकंद, जल्दी से लिखिएगा, प्रकंद, राइजोम बोलते हैं, उदाहरण लिखते जाइएगा, केला, अदरक, हल्दी, जल्दी से लिखते जाइएगा, केला, अदरक, हल्दी, सिंपल तरीके से याद रखना, बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। हाँ जी, दूसरा कंद, ट्यूबर, सिंपल सा उदाहरण, आलू, सिंपल, जो उदाहरण याद रखने, ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, सिंपल ये उदाहरण याद रख लेना। तीसरा ऊपरी भूस्तारी, ऊपरी भूस्तारी अंग्रेजी में बोलते हैं रनर, उदाहरण याद रखना डूब, जो आपके घर में घास लगी हुई है, डूब घास, साइनोडॉन डेक्टिलॉन वैज्ञानिक नाम है इसका, उदाहरण याद रखना डूब घास। चौथा, ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, भूस्तारी या भूस्तारिका कर देता हूं क्योंकि दोनों सेम सेम है, भूस्तारिका, भूस्तारिका, ऑफसेट, उदाहरण याद रखना जल हाइसिंथ या जल कुंभी बोल दीजिए, याद रखना जल हाइसिंथ या जल कुंभी एक ही चीज है, ठीक है। और पिस्टिया, पिस्टिया। पांचवा भूस्तारी, भूस्तारी यानी आपका स्टोलोन, भूस्तारी कौन बेटा जी? स्टोलोन, उदाहरण याद रखना स्ट्रॉबेरी। और छठा अंत भूस्तारी, अंत भूस्तारी, इसको हम बोलते हैं अंत भूस्तारी को, याद रखना शकर, उदाहरण याद रखना पुदीना। ये कुछ चीजें हैं, कृपया करके इनको नोट कर लीजिएगा, और नीचे अगर लाल लाल लाइन आ रही है तो उसको मैं, नहीं 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 आ रही है, नहीं आ रही है, दिख रहा है आपको, कृपया करके इसको लिख लीजिएगा। सर आप कमेंट ही नहीं पढ़ते? बेटा मेरा पढ़ाने पर ध्यान है, अभी कमेंट पर नहीं है, ठीक है। आकाश सर ऑफसेट का वाटर हाइसिंथ, बोटा बेटा, बेटा बोटा कह रहा हूं बेटा, बोल दिया, जल कुंभी को क्या बोलते हैं? वाटर हाइसिंथ, वाटर को जल नहीं बोलते, और हाइसिंथ लिख दिया ना, वाटर हाइसिंथ, ठीक है। तो अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कृपया करके इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे भी साथ साथ ले लीजिएगा, है जी, दुआओं में याद रखना, कृपया करके जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना। सर जी अट जाओ, नहीं अट रहे, सर प्रकंद कुछ समझाया नहीं सर आपने, बेटा प्रकंद याद रखना कुछ ऐसे भूमिगत तने होते हैं जो जमीन के नीचे वृद्धि करते हैं। अब इनकी वृद्धि जो होती है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, इनकी वृद्धि जो होती है वो अनुलंबी होती है, यानी नीचे की तरफ होती है, जिनसे पार्श्व कलिकाएं निकलती हैं,
इतनी सी बात समझ में आ गया। नीचे की तरफ, जमीन में नीचे की तरफ वृद्धि करते हैं जिनसे पार्श्व कलिकाएं निकलती है, जबकि कंद जो होते हैं वो अनुप्रस्थ रूप से क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। इतनी सी बात। और इन चारों के बारे में मैं अभी आपको बता दूंगा, अभी सिर्फ उदाहरण याद रखना, ठीक है। इन चारों के बारे में अभी मैं आपको झट से बता दूंगा, आपने ले लिया होगा आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट। अब जरा सोचिए इस प्रश्न में, क्या भूस्तारिका जल हाइसिंथ था? हां था। भूस्तारिका का उदाहरण कौन था? जल हाइसिंथ। देख लीजिए भूस्तारिका का क्या था, जल हाइसिंथ, है ना? हाँ जी है, ये ठीक है, सही दे रखा। हमें गलत छांटना था। प्रकंद का केला दे रखा है, जरा सोचिए प्रकंद का केला दे रखा है, हाँ जी दे रखा है, ये भी सही है सर। आप में से कई बच्चों ने ये आंसर लगा दिया। सर कोनिडिया, याद रखना कोनिडिया कुछ ऐसे बीजाणु होते हैं जिनको हम अचल बीजाणु बोलते हैं। कैसे? अचल बीजाणु, अचल बीजाणु, जिनको हम एप्लेनोस्पोर्स बोलते हैं, अचल बीजाणु बोलते हैं, जो किसमें मिलते हैं, पेनिसिलियम नोटेटम या पेनिसिलियम क्राइसोगेनम। ये क्या है बेटा जी, एक प्रकार की कवक है और आप अच्छे तरीके से जानते हैं। सबसे पहली जो प्रतिजैविक थी पेनिसिलिन जो थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो खोज करी थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, इससे पेनिसिलियम नोटेटम से खोजी थी ना। और कैसे खोजी थी? गलती से खोजी थी, कर कार्य थे किसी और पर रहे थे और मिल गई उनको, क्या प्राप्त हो गई थी, पेनिसिलिन प्राप्त हो गई थी, सबसे पहली प्रतिजैविक थी, नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कोनिडिया, याद रखना कुछ ऐसे अचल बीजाणु होते हैं जो अलैंगिक जनन में सहायता करते हैं, किसमें, पेनिसिलियम में, इसके सिरे से निकलते हैं। एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो डायग्राम दिख जाएगा आपको, ये बिल्कुल सही था ये भी। अब सीधा सीधा आंसर आ गया आपका, क्या, द्विविखंडन या द्विखंडन, सार्गेसम। अरे भैया सार्गेसम तो भूरी शैवाल है, मुख्य रूप से ये कौन सा जनन करते हैं मेरे भाई, ये लैंगिक जनन करते हैं मुख्य रूप से। कैसा जनन होता है इनमें, लैंगिक। और ये द्विविखंडन क्या होता है, एक तरह का अलैंगिक जनन होता है, तो भैया ये गलत है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। बताएं गलती कर दी ना, कर दी ना गलती सर 1929 में, वेल डन। हाँ जी क्लियर है, समझ में आया, उदाहरण याद रहेंगे भैया ये वाले, लिख लिए, ये समझ में आ गया। चले अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अच्छा अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको वो चार बता देता हूं जरा जल्दी से, देखिएगा बेटा। सबसे पहला स्टोलोन, जिसका उदाहरण क्या था मेरे भाई, स्ट्रॉबेरी, जिसको हमने बोला था भूस्तारी, हमने बोला ये जमीन है, ये आपका तना था। क्या है बेटा, ये जमीन है, ये तना है, तने से ये आपकी नीचे शाखाएं निकल रही हैं। अब इस तने से एक पार्श्व शाखा निकली, इस तरीके से जाई गई और यहां पर टच किया, जहां टच किया ग्राउंड को वहां नीचे निकाल दी क्या आपकी जड़ें, और ऊपर निकाल दिया तना। ये है क्या बेटा जी आपका भूस्तारी यानी स्टोलोन। दूसरा, ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, दूसरा जिसका नाम है अंतःभूस्तारी यानी सकर, अंतःभूस्तारी, अंतःभूस्तारी बेटा जी, इसमें सेम टू सेम चीज है, बस फर्क इतना सा है कि यहां पर तने का कुछ भाग जमीन के नीचे से इस तरीके से वृद्धि करता और बाहर आकर फिर तना बना दिया, और फिर ये लो जी जड़ें, फिर ये थोड़ा सा नीचे रेंगता हुआ आगे जाएगा। तो फर्क मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, यहां पर जमीन के बाहर इस तरीके से पार्श्व गति और यहां पर जमीन के अंदर से पार्श्व गति, ये दो। ऊपरी भूस्तारी का उदाहरण क्या था, पुदीना, याद रखना। किसका, शकर का उदाहरण क्या था, पुदीना, सॉरी अंतःभूस्तारी का उदाहरण क्या था, पुदीना, और भूस्तारी का उदाहरण क्या था, स्ट्रॉबेरी, जो अभी अभी मैंने बता दिया। बाकी तीसरा जो था कौन सा बेटा, भूस्तारी का, भूस्तारी का और ऊपरी भूस्तारी, ध्यान से सुनना, ऊपरी भूस्तारी जिसको हमने बोला था रनर, और इसी के साथ यहां पर चौथा यहां पर बना रहा हूं कौन सा, भूस्तारी का जिसको हमने बोला ऑफसेट। दोनों में बस इतना सा फर्क है कि भैया ये जमीन थी, आपने घास देखी होगी इस पर, ये पत्तियां जो आपको हरी हरी दिखाई देती है घास की, ये पत्तियां हैं, नीचे हैं जड़ें, और साहब ये जो तना है रेंगता 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 आगे जा रहा है और आगे जाकर फिर पत्तियां बना दी,
नीचे फिर जड़े बना दी, फिर रेंगता रेंगता जा रहा है। देखिए यहां पर इस तरीके से थोड़ा सा कर्व ले रहा था, इस तरीके से गोलार्ध में इस तरीके से, और यहां पर रेंग रहा है, और जहां आगे गया थोड़ी सी देर आगे जाकर फिर पत्तियां बना दी और सब फिर नीचे की तरफ आपकी, फिर आपकी जड़ें। तो ये क्या कहलाता बेटा जी, ऊपरी बहुस्तरीय। उदाहरण याद रखना आपकी घास, डूब घास, और सेम टू सेम चीज यही होती है, बस फर्क इतना सा होता है ये जमीन थी और भैया ये होगा पानी। इस पानी में सेम टू सेम होएगा क्या, ऊपर की तरफ पत्तियां, नीचे की तरफ जड़ें, और साहब ये तना पानी की सतह पर रेंग रहा है, फिर ऊपर पत्तियां, नीचे जड़ें, बस इतना सा ही फर्क है। ये पानी है, ये स्थल है। उदाहरण जलकुंभी, पिष्टिया, याद रखना। ये थी सिंपल सी चीज, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आवाज नहीं आ रही है बेटा, बहुत जबरदस्त आ रही है, बहुत जबरदस्त आ रही है, पूरा रूम गूंज रहा है। हाँ जी, हाँ जी, चलें आगे, भूल मत जाइएगा इस चीज को, ठीक है। चलिए बेटा जी, अगला प्रश्न आता हुआ सामने, अदरक में कायिक प्रवर्धन। उरी भैया, अदरक में कायिक प्रवर्धन, जल्दी से आंसर लगाएं। इसका तो आंसर की बौछार आ जानी चाहिए, मतलब इसका तो मतलब जबरदस्त हो जाना चाहिए, धड़ाम 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 आंसर आने चाहिए, फटाफट फटाफट फटाफट, क्या बात है। बातें ना करें आपस में और कृपया करके आंसर सही सही देते जाएं, भला होगा, कृपा होगी आपकी मेरे पर। सर ए ए ए ए ए ए ए ए जी, हाँ जी, लो जी, आंसर सुनो जी, आंसर सिंपल सा है जी, और जो आप जानते हैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आलू सॉरी अदरक, हल्दी और केला, तीन उदाहरण याद रख लेना। किसके उदाहरण थे, प्रकंद के थे, राइजोम के थे, भूमिगत तना था, बता दिया था। हाँ जी, यही किया था ना सर, ये तो हलवा था, ये तो हलवा था, आंसर ए था। चलो चलें आगे, आइए सातवां प्रश्न बेटा, सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सामान्यता लैंगिक जनन उत्पन्न करता है, जरा सोच समझकर मुझे बताएं, ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, देखेंगे आप आराम से, ध्यान से आपका आंसर आराम से निकल आएगा अगर आप पढ़कर आए तो। लैंगिक जनन क्या उत्पन्न करता है, ये सृष्टि राठौड़ डालते हैं बेटा, इसका आंसर दीजिए, गलती मत करिए बेटा। ये देखो, ये तो मिलकर बिल्कुल मतलब अले ले 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 ले, बच्चों वाला प्रश्न था ये वाला। भाई जब आप बारहवीं कक्षा में आते हैं तो आप बारहवीं कक्षा में, अगर आपके पास जीव विज्ञान है, मैथ वाला तो नहीं है ना यहां पर कोई, कई ऐसे भी होंगे जिनके पास मैथ्स और बायो दोनों होती है। हाँ जी, बारहवीं कक्षा में जब आते हैं, जब आप ये चैप्टर पढ़ते हैं, जब यहां पर आप जनन पढ़ते हैं, तो आपको दो चीजें बताई जाती हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। क्या फर्क होता है भैया, अलैंगिक जनन में बनते हैं क्लोन। क्लोन का मतलब दो जीव अनुवांशिक रूप से और आकार की रूप से एक समान है, हूबहू है, एक दूसरे की फोटोकॉपी होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्लोन, जो किसमें बनते हैं, अलैंगिक जनन में। जबकि लैंगिक जनन क्या पैदा करता है, क्या लेकर आता है, सोचिए, क्या आप हूबहू डिट्टो सेम टू सेम अपने मम्मी पापा के जैसे हैं क्या, क्या मैं अपने मम्मी पापा के जैसा हूं क्या, नहीं ना, फोटोकॉपी नहीं है ना, बिल्कुल सेम टू सेम तो नहीं है ना, विभिन्नताएं हैं या नहीं है, वेरिएशंस हैं या नहीं है, हाँ बिल्कुल है, और यही विभिन्नताएं जिम्मेदार होती है किसके लिए, विकास के लिए। तो बेटा जी लैंगिक जनन क्या लेकर आता है, विभिन्नताएं लेकर आता है, वेरिएशंस लेकर आता है। तो मेरे भाई जरा सोच समझ कर मुझे बताएं, नए आनुवांशिक संयोग जो विभिन्नताओं की ओर अग्रसर होते हैं का मतलब क्या था, कि लैंगिक जनन में कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं होती है, कुछ ऐसे संयोग होते हैं जिसकी वजह से विभिन्नताएं आ रही हैं। अब आपका प्रश्न होगा, सर विभिन्नताएं कैसे आ जाती हैं, तो बेटा जी लैंगिक जनन में बनते हैं युग्मक मेरे बाबू, और युग्मक जब बनते हैं ना शुक्राणु अंडाणु, तो वो जिस प्रक्रिया से बनते हैं उसका नाम होता है अर्धसूत्री विभाजन। और अगर आपने कोशिका विभाजन चैप्टर पढ़ा होगा तो अर्धसूत्री विभाजन की सबसे प्रथम अवस्था जो होती है अर्धसूत्री प्रथम, उस अर्धसूत्री प्रथम की
भी प्रोफेज वन में यानी पूर्व अवस्था वन में कहीं पैकिटीन अवस्था आती है, स्थूलपट अवस्था आती है, जिसमें जीन विनिमय होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, जो वेरिएशंस लेकर आता है, शायद कईयों के ऊपर से निकला होगा और कईयों के यहां के कान से अंदर जाकर दिमाग में बैठ गया होगा। हाँ जी, आया समझ में? क्लियर है? डनाडन डन, चलें आगे। सर आलू प्रकंद और कंद दोनों का होता है क्या? नहीं रे, मैंने प्रकंद में कहां लिखा आलू? मैंने आलू किस में लिखा? मैंने लिखा आलू कंद में, प्रकंद में थोड़ी ना लिखा था। प्रकंद में मैंने क्या क्या लिखा? केला, केला ही लिखा था ना मेरे भाई, आलू तो नहीं लिख दिया गलती से। कंद में देख आलू लिखा है, प्रकंद में क्या लिखा है? केला लिखा है। ना 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 ना, गलती नहीं की है भैया, याद रखना आलू किसका उदाहरण है? कंद का उदाहरण है। चलो जी, हाँ जी, अदरक ये वाला हो गया था हमारा। और सातवां प्रश्न, लैंगिक जनन क्या लेकर आ रहा है मेरे भाई? विभिन्नताएं लेकर आता है, विषमताएं लेकर आता है, वेरिएशंस लेकर आता है, जो जिम्मेदार होती है किस चीज के लिए? इवोल्यूशन के लिए। ठीक है, यस सर, पोटैटो इज स्टेम, ओए होए होए होए, यस पोटैटो इज स्टेम। ठीक है, चलो आइए बेटा, चलें आगे। ये था सातवां प्रश्न, आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। मेरे ख्याल से अभी तक कई बच्चे होंगे जिनके सात में से सात सही है ना, गलती तो नहीं करी ना? हाँ जी, कोई गलती तो नहीं है? चलो चलिए आगे चलते हैं। आठवां प्रश्न करें बेटा इसको, वही सुमेलित नहीं है, यानी तीन सुमेलित है, यानी तीन आमने सामने सही है, एक आमने सामने गलत है। ओए होए, आज तो बहुत सारे बच्चे हैं रे भैया, बहुत सारे हैं, क्या बात है, 350 बच्चे, गजब वाह भैया, गजब वाह, मौज कर दी बेटा, मौज कर दी। फिर तो ये टाइम सही है, इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे आते हैं। ठीक है भैया, इस टाइम पे क्लास लगवा दें क्या? हैं? हाँ जी, जल्दी से मुझे बताएं कौन सा सुमेलित नहीं है। टाइमर हो गया है समाप्त, आइए जल्दी से देखते हैं। पेनिसिलियम कोनिडिया, अभी अभी थोड़ी देर पहले आया था, ये ऐसी चीज आई थी ना, आई थी ना? हाँ जी सर, ये ठीक है। जल हाइसिंथ ऊपरी भूस्तारी, सर ये भी आया था, लेकिन ऊपरी भूस्तारी नहीं था जल हाइसिंथ। जल हाइसिंथ क्या था, याद करिए, भूस्तारिका ऑफ सेट। नहीं विश्वास, देख लो, खुद देख लो, देख लो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, अरे कहां गया, आओ भैया, आओ 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 आओ, ये रखो। जल हाइसिंथ क्या था? भूस्तारिका। ऊपरी भूस्तारिका का उदाहरण क्या था? डूब घास, बोला था ना, बताएं, कर दी ना गलती, कर दी ना गलती। लो गलती तो यही हो गई हमारी, हमारी नहीं मतलब प्रश्न में, ऑप्शंस में ये गलत था और हमसे पूछा ही गलत था। अरे नीचे काहे देखें भैया, जब हमारा आंसर ही आ गया, लेकिन फिर भी देख लेते। अगेव में, ब्रायोफाइलम में, दोनों में क्या थी? पत्रकलिका, पर्णकलिका। अगेव की पर्णकलिका को बोला था बुलबिल, दोनों सही है, ये गलत है, ये गलत है, और गलत पूछा था, आंसर हो गया हमारा ये खत्म। सर सी एले पलते नहीं है ना, नहीं पलते ना उमा है, उमा अभी अभी थोड़ी देर पहले नहीं बताया था, नहीं बताया था जल हाइसिंथ, थोड़ी देर पहले बताया भाई, इतनी कम मेमोरी, अभी थोड़ी देर पहले बताया और तीन चार बार बता दिया, जल हाइसिंथ, जल कुंभी, जल हाइसिंथ, जल कुंभी, जल हाइसिंथ, जल कुंभी, कितनी बार आ गया। बंगाल का आतंक क्या था? भूस्तारिका था। कौन था? भूस्तारिका। अरे भूत से याद रख लेना, भूस्तारिका, ऊपरी भूस्तारी नहीं था। ऊपरी भूस्तारी का उदाहरण क्या था? डूब घास थी। ठीक है, ऐसी गलती ना करें, टकाटक आंखें जमाए रखें क्लास पर। आइए बेटा जी, नाइन्थ प्रश्न आता हुआ, पिस्टिया में, अरे मोरी अम्मा, पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन, नाग शेखर मैं भगा दूंगा तू, अगर अगली बार तूने यहां से आशिकी वाशिकी करी ना तो।
टाइमर हो गया समाप्त। अब जरा सोचिए, दिमाग लगाएं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको वापस से भाई देखो बूस तारीका ऑफसेट का क्या उदाहरण दिया था। सर आपने दो उदाहरण दिए थे, क्या क्या दिए थे बताओ, क्या क्या दिए थे? सर एक आपने दिया था जलकुंभी और दूसरा आपने दिया था क्या क्या, पिस्तिया। खत्म खत्म। सर ये तो इजी क्वेश्चन है मेरे भाई, इस चैप्टर से आते ही इजी हैं। 2020 में एक प्रश्न आया, 2019 में नहीं आया, फिर 2018 में आया, फिर 2017 में नहीं आया। सोचिए एक साल छोड़कर एक साल इस तरीके से अल्टरनेटिवली आ रहा है। 2020 में आया तो आप बोलेंगे सर 2021 में नहीं आएगा, क्यों भैया ये किसने कहा? मैं तो ये बोल रहा हूं कि नहीं आया और एक साल आया। अब ऐसा थोड़ना है कि ये पैटर्न में चलता जा रहा है, हो सकता है आ गया फिर आप तो मेरा गला पकड़ लो कि सर आपने तो बोला था नहीं आएगा। अरे भैया आ जाएगा, बस आ जाएगा, पल लेना, ठीक है। हाँ जी, पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन कैसा होता है मेरे भाई, याद रखना। पिस्टिया जल हाइसिंथ, जल कुंभी वॉटर हाइसिंथ में कैसा होता है भूस्तारी का ऑफसेट, ठीक है। चलिए आज का आखिरी प्रश्न, बस इस चैप्टर से मैक्सिमम प्रश्न आने के जो चांसेस होते हैं वो कृपया करके ना, ये जो भूस्तारिका, ऊपरी भूस्तारिका, अंतः भूस्तारिका, भूस्तारिकंद, प्रकंद, इनके उदाहरण पढ़कर चले जाइएगा मेरे बच्चे, उदाहरण भूल मत जाना। वो जो एक उदाहरण वाला वो जो दिया था ना, वो जरूर पढ़कर चले जाइएगा, क्योंकि आपने अभी तक देखा है मैक्सिमम प्रश्न कैसे आए हैं। एक आखिरी प्रश्न और देख लो, आपको पूर्ण रूप से पता लग जाएगा कैसे प्रश्न आते। आखिरी, पुदीने में कायिक प्रवर्धन वृद्धि जनन कैसे होता है? पिस्टिया क्या होता है बेटा जी? पिस्टिया एक जलीय पादप होता है। धन्यवाद रोशन कुमार। हाँ जी, पुदीने में कैसा था बताएं, बताया था एक चार्ट में आपको उदाहरण बताए हैं। लास्ट प्रश्न है भैया, इसकी तो बारिश हो जानी चाहिए जबरदस्त वाली। सर जी डनाडन डन, जबरदस्त, वेल डन। सर मेरा आंसर सही है, वेरी गुड। चलिए जी, पुदीना आखिरी बताया था आपको, पुदीना याद करिए, अंतः भूस्तारी, सकर, कहीं जमीन के नीचे से तना कर्व लेता हुआ बाहर आ रहा था। आ रहा है, याद आ रहा है, बताया था ना आपको, बताया था। तो क्या हो जाएगा जरा सोचिए, अंतः भूस्तारी द्वारा, यानी इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मेरे भाई, सकर बोलते हैं। बताएं बच्चों, कितने बच्चों के 10 में से 10 आज सही हैं? सर आज सिर्फ 10 में से 10? यस बेटा, आज 10 में से 10, क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादा प्रश्न है नहीं। आप आखिरी प्रश्न देखिएगा, 2009 का है। अब इससे पहले भी अगर आप जाएंगे तो आपको ज्यादातर प्रश्न ऐसे ही मिलेंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा चैप्टर भी नहीं है और इससे इतने ज्यादा प्रश्न आए भी नहीं है। तो जितना मैंने कराया है सफिशिएंट है, बहुत है। कृपया करके बस एक बार एनसीईआरटी को पढ़कर चले जाइएगा, और ज्यादातर प्रश्न जो आपको दिखे हैं वो कहां से दिखे हैं आप अच्छे तरीके से जानते हैं, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। हाँ जी, 10 में से 10 है कोई, है कोई? या मत बताओ, यहां नहीं बताना, कहां बताना है, कहां बताना है? जो रेगुलर क्लास में आते हैं उनको पता है कहां पर बताना है। ये क्लास जब खत्म होएगी तो प्रभु मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके कितने सही हुए हैं, ठीक है। और कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं, जरूर आपको जवाब दिया जाएगा, ठीक है। तो अब आप पूछेंगे सर अब कल क्लास कितने बजे होगी? तो कल बेटा जी, कल होएगी प्रभु वही टाइम हमारा, कितने बजे? 12:30 बजे। याद रखना, आज जेई के एग्जाम का एनालिसिस था, इस वजह से हमारी क्लास थोड़ा सा पहले हो गई है। कल वही टाइम पर होएगी, कितने बजे? 12:30 बजे होएगी। लेकिन याद रखना 31 और 1, यानी 31 अगस्त को और 1 सितंबर को,
जैसे आज क्लास हुई है कितने बजे, 11:30, उस दिन भी कितने बजे होएगी, 11:30 बजे होएगी। याद रखिएगा उस दिन भी जेई के पेपर का एनालिसिस होएगा, इस वजह से हमारी क्लास थोड़ा सा पहले हो जाएगी, तो याद रखना। बाकी सभी दिन कितने बजे हो रही है, 12:30 बजे होगी, यानी कल कितने बजे आना है, 12:30 बजे आइएगा, हाजिरी लगाइएगा, कितने बजे, 12:30 बजे, ठीक है। अब कल क्या आने वाला है, यस कल जो आने वाला है मेरे भाई, उसको जरूर पढ़कर आना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, कौन सा, मानव जनन, ठीक है। तो कल बेटा जी लेक्चर 28 होएगा हमारा, जिसमें हमारा अध्याय आएगा कौन सा, मानव जनन। मुझे पता है आप सभी ये चैप्टर पढ़कर आएंगे, मुझे पूरा पूरा भरोसा है आप पर और अपने आप पर, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद कैसे कैसे होएगा ये मैं पहले भी बता चुका हूं। वो बच्चे जो कहते हैं सर हमें नहीं पता लगता है कौन सा अध्याय आने वाला है, तो मैंने आपको बता दिया कल कौन सा आएगा, मानव जनन, फिर उसके बाद जनन स्वास्थ्य, फिर उसके बाद मानव स्वास्थ्य और रोग, फिर उसके बाद खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, फिर मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, फिर जैव प्रौद्योगिकी, दोनों चैप्टर एक ही दिन, फिर जीव और समष्टि, पारितंत्र, जैव विविधता, पर्यावरण के मुद्दे, इस तरीके से आएंगे बेटा जी आपके ये सारे के सारे अध्याय। कर रहे हैं हम नीट की प्रिपरेशन, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देख रहे हैं, प्रैक्टिस हो रही है, इवोल्यूशन हो रहा है हमारा, कि हम कितनी तेज गति से सही सटीक आंसर दे रहे हैं, बस इसी का ही हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा जी आज का अगेन, अगर लगा हो आपको सेशन अच्छा तो कर दीजिएगा लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा। हाँ जी, लास्ट में जाते जाते आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कौन कौन आए, सृष्टि, अनब्रेकेबल ब्रिजेश, हाँ जी, कोमल भारती, जतिन गोयल, राम भूल, सैयद अली, आशीष सोनी, और कौन कौन आया था आज भैया, कविश, प्रकाश, एसडी, आरके क्यूट गर्ल, जैनब, जतिन, अंकिता, शिवी वर्षाने, प्रियंका निषाद, दिशा देवगन, मोहम्मद आसिफ, रिचा, अरुण कुमार, प्रज्ञा, अभी, बॉबी सिंगम, श्यामा, सैयद अली, मिर्जा, ओए होए होए होए, गजब वाह रे, गजब वाह, बहुत। चलो जी बेटा जी, मिलेंगे अब कल किस समय, 12:30 बजे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।